हेलो एवरीवन, बनाते हैं अगला सवाल डिजिलॉकर और पार्टनरशिप फर्म से। तो पहले देखते हैं सवाल। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर हैं जो प्रॉफिट और लॉस आपस में बराबर बराबर बांटते हैं। On 31 March 2022, their balance sheet was as follow. और 31 मार्च 2022 को उनका बैलेंस शीट ये था। क्या था? तो क्रेडिटर 6,500, वाइज लोन 1,250, बिल्स पेएबल 250, रिजर्व फंड 1,500, एक्स करेंट अकाउंट 750, वाइज करेंट अकाउंट 750 और कैपिटल था एक्स का 10,000, वाई का 5,000 और जेड का 5,000, इस तरह से 20,000। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का टोटल 31,000 और एसेट साइड में कैश है 750, डेटर्स 6,250, स्टॉक 14,500, फर्नीचर 500, मशीनरी 2,500 और जेट करेंट अकाउंट 1,500 और गुडविल 5,000, इस तरह एसेट साइड भी 31,000 का टोटल। ऑन द डे दे डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप, और इस डेट को पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और एक्स एग्रीज टू पे क्रेडिटर्स, एक्स जो है क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए तैयार हो गया। और वाई टेक्स ओवर द स्टॉक एट ₹12,500, वाई ने स्टॉक को ले लिया ₹12,500 में। जेड टेक्स ओवर द गुडविल एट ₹7,500 और जेड ने 7,500 में गुडविल को ले लिया। आगे है बिल्स पेएबल वेयर क्लियर्ड ऑफ ₹5 बीइंग अलाउड फॉर डिस्काउंट। बिल्स पेएबल का पेमेंट किया गया जिस पर ₹5 का डिस्काउंट मिला, ठीक है। The remaining assets were auctioned and realized 7,500. बाकी जो बचे assets थे, उनकी नीलामी की गई और उससे वसूल हुआ कितना? 7,500. Expenses of realization amounted ₹60. Realization का जो खर्च है ₹60, ठीक है। तो सबसे पहले यहां बनाएंगे realization account। क्या बना रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो क्या है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जो भी सारे एसेट्स हैं बैलेंस शीट में, उन्हें उनके बुक वैल्यू पे ट्रांसफर किया जाता है। अच्छा, एसेट साइड में क्या सारा रहे, क्या सारे का बैलेंस रहे जिसे कि रिलेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करते हैं, तो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वगैरह, या कैश और बैंक का बैलेंस, इन सबको रिलेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे कैश को रिलेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करेंगे। तो बाकी क्या रहेगा? डेटर्स, डेटर्स अकाउंट कितना? 6,250। उसके बाद में स्टॉक, स्टॉक कितना? 14,500। उसके बाद फर्नीचर, कितना? 500। उसके बाद मशीनरी, ₹2,500। और फिर करंट अकाउंट है पार्टनर का, नहीं ट्रांसफर करेंगे। हाँ, गुडविल को करेंगे ट्रांसफर टू गुडविल अकाउंट, कितना? 5,000। ये तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर किया गया। अब रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जितने भी सारे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज, उन्हें ट्रांसफर किया जाता है। अच्छा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या सारा है जिससे कि रिलेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करते हैं? तो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस, पार्टनर का लोन, इसके अलावा कोई रिजर्व हो, कोई फंड हो, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, ये सारा रहे तो उसे रिलेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करते हैं। केवल आउटसाइड लायबिलिटीज को रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो क्या है?
creditors by creditors account 6500। इसके अलावा Y का लोन पार्टनर का लोन है, इसे भी नहीं ट्रांसफर करना है रिलेशन अकाउंट में। बिल्स पेबल इसे करेंगे ट्रांसफर बाय बिल्स पेबल, कितना है 250। और उसके बाद में क्या है, रिजर्व फंड है, पार्टनर का करेंट अकाउंट है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, ये सब तो ट्रांसफर होगा नहीं रिलेशन अकाउंट में। तो ये एसेट और लायबिलिटीज को उनके बुक वैल्यू पे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया गया। इसके बाद में एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करते हैं और एसेट को कैश में बेचा जाए या एसेट को कोई पार्टनर ले ले तो उसे किधर रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं। उसी तरह लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं और लायबिलिटी का पेमेंट या लायबिलिटी को किसी पार्टनर ने ले लिया तो उसे डेबिट में दिखाते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक चीज समझना है कि यहां पे पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब पार्टनर का कैपिटल फिक्स्ड है। तो जो सारा ट्रीटमेंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किया जाता था वो सारा ट्रीटमेंट यहां पार्टनर के करंट अकाउंट में किया जाएगा। मतलब कोई एसेट लेता था तो पार्टनर कैपिटल को डेबिट करते थे, यहां पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। कोई लायबिलिटी कोई पार्टनर लेता था तो उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते थे, यहां पे पार्टनर के करेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से जितना भी सारा ट्रीटमेंट कैपिटल में किया जाता था पार्टनर्स कैपिटल में, वो सारा ट्रीटमेंट पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में किया जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। एस एक्स एग्रीज टू पे क्रेडिटर, एक्स ने क्रेडिटर को पेमेंट करने का क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए तैयार है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर टू एक्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, करेंट अकाउंट। ठीक है, क्या ले रहा है, क्रेडिटर को पेमेंट करने की जिम्मेवारी, और अमाउंट कुछ लिखा नहीं कि कितने पे, तो जितना है उतने पे ले रहा है वो। कितने का, 6500 पूरा का पूरा। आगे है वाई टेक्स ओवर द स्टॉक एट 12500, वाई ने स्टॉक को ले लिया कितने पे, 12500 में। तो लायबिलिटी लेगा तब इस तरफ, एसेट लेगा तो इस तरफ, तो बाय वाइज करंट अकाउंट क्या ले रहा है, स्टॉक कितने में, तो 12500 में। उसके बाद में जेड जेड टेक्स ओवर द गुडविल एट रुपीज 7500, जेड ने गुडविल को ले लिया, तो उसके लिए फिर यहां पे बाय जेड जेट्स करेंट अकाउंट कितने में, 7500 में। तो यहां पे लिख दिया 7500, क्या ले रहा है भाई, तो ये ले रहा है गुडविल। इससे आगे बिल्स पेबल वेयर क्लियर्ड ऑफ रुपीज 5 बीइंग अलाउड फॉर डिस्काउंट, बिल्स पेबल का पेमेंट कर दिया गया और 5 रुपए का उस पर डिस्काउंट मिला। तो ये तो कैश में हो रहा है, तो यहां पे टू कैश अकाउंट क्या है, बिल्स पेबल बीपी, कितने का डिस्काउंट पे, 5 रुपए का डिस्काउंट पे, तो 250 था, कितना दिया जाएगा, 245। ठीक है, इसके बाद में आगे द रिमेनिंग एसेट्स वेयर ऑक्शन एंड रियलाइज रुपीज 7500, बाकी जो भी एसेट बचे थे उनकी नीलामी की गई और उससे कितना पैसा वसूल हुआ, 7500। इसके लिए यहां पे बाय कैश अकाउंट रुपीज 7500 लिख देते हैं यहां पे रिमेनिंग एसेट्स। ठीक है, और वसूली का खर्च एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू रुपीज 60, वसूली का खर्च है 60 रुपए, तो उसे भी यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना। अब क्या करना है, इसका टोटल करना और देखना रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा
क्रेडिट साइड के टोटल से तो लॉस होगा, और डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा डेबिट साइड से तो उस स्थिति में प्रॉफिट होगा। तो टोटल करें तो $35,555 डेबिट का टोटल है, डेबिट का टोटल ही ज्यादा है, इसी टोटल को इस तरफ लिखेंगे 35,555। अब इसमें से ये जो क्रेडिट साइड का अमाउंट है सारा इसे घटाने पे निकलेगा बैलेंस 1,305, 1,305 रुपए का लॉस। इस लॉस को सभी पार्टनर्स के बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली है, बराबर बराबर है। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कहां, यहां पे कैपिटल अकाउंट में नहीं ट्रांसफर होगा, चूंकि पार्टनर का कैपिटल फिक्स्ड है, तो जो भी लॉस हो या प्रॉफिट हो रिलेशन का उससे कहां ट्रांसफर करना है, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो एक्स करेंट अकाउंट, वाइस करेंट अकाउंट और जेड करेंट अकाउंट, तो इक्वली बांटेंगे तो कितना होगा 435 करके तीनों के बीच में 435। ये 1,305 रुपया तीनों पार्टनर में रिलेशन का लॉस बांट दिया गया। अब इसके बाद में हम लोग बनाएंगे, चूंकि पार्टनर का लोन है तो वो पहले पार्टनर का लोन अकाउंट बनाएंगे। तो ये वाई का लोन है ना, तो वाई लोन अकाउंट कितना 1,250 रुपए का, इसे यहां पे दिखाया बाय बैलेंस बीडी कितना 1,250, इसका पेमेंट करना है टू कैश अकाउंट 1,250। तो ये बन गया लोन अकाउंट पार्टनर का, लोन का पेमेंट कर दिया गया। अब बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट, तीन पार्टनर हैं एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, ठीक है, थोड़ा इधर से करते हैं ना। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, यहां छोटा सा लिख देते हैं पार्टनर करेंट अकाउंट। पार्टनर्स का करंट अकाउंट में सबसे पहले जो उनका बैलेंस कुछ है पार्टनर्स का करंट अकाउंट का, तो उसे दिखा देंगे। तो एक्स और वाई का क्रेडिट बैलेंस है तो इस तरफ दिखाएंगे बाय बैलेंस बीडी कितना 750, ये दिखा दिया। और जेड का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, तो इस तरफ टू बैलेंस बी कितना है भाई 1,500। तो ये बैलेंस दिखा दिया। इसके बाद में देखना है बैलेंस शीट के अंदर कुछ बटने वाला आइटम है क्या पार्टनर्स के बीच में, तो उसे बांट दिया जाएगा। तो ये है रिजर्व फंड कितने का 1,500 का, इसे बांट दिया जाएगा पार्टनर्स के बीच में। तो बाय रिजर्व फंड 1,500 का है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर बराबर है, तो बराबर बराबर बटेगा कितना 500। इसके बाद अब क्या करना है देखना है, अगर किसी पार्टनर ने कोई लायबिलिटी ले लिया है तो उसका इधर बाय रिलेशन अकाउंट, और किसी पार्टनर ने कोई एसेट लिया है तो उसका डेबिट में टू रिलेशन अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे एक्स ने क्रेडिटर लिया है, तो यहां पे दिखाइए बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना 6,500, ठीक है। उसके बाद में बस लायबिलिटी एक ही पार्टनर एक्स ने लिया है, क्या लिया है क्रेडिटर लिया है। उसके बाद इस तरफ आते हैं वाई ने स्टॉक ले लिया है, तो इस तरफ टू रियलाइजेशन अकाउंट किसके कॉलम है भाई, तो
वाई के कॉलम में कितना 12,500 क्या लिया उसने स्टॉक लिया। अच्छा एक्स में क्या लिया था क्रेडिटर लिया था, यहां पे लिख दिया समझने के लिए यही है ना। और जेड ने गुडविल लिया 7,500 में, तो उसे भी इधर टू रियलाइजेशन अकाउंट क्या तो गुडविल वो कितने में लिया 7,500 में, तो जेड वाले कॉलम में दिखा देना ठीक है 7,500। अब इसके बाद फाइनली रिलेशन अकाउंट में लॉस हुआ है कितना 435 सबके हिस्से लॉस है, तो इस तरह प्रॉफिट रहता तो इस तरह, लेकिन लॉस है तो इस तरह टू रियलाइजेशन अकाउंट 435। अब इसका क्या करना है टोटल करना है, और जो भी यहां बैलेंस निकलेगा वो बैलेंस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो टोटल करते हैं एक एक करके सभी का, एक्स का क्रेडिट ज्यादा है 7,750 ठीक है, और उसका डेबिट देखते हैं डेबिट में है डेबिट, हाँ तो इसका जो बैलेंस निकलेगा एक्स का क्रेडिट ज्यादा है, अब इसमें से ये अमाउंट डेबिट वाला जो 435 इसे डिडक्ट करेंगे तो जो बैलेंस निकलेगा वो उसके कैपिटल अकाउंट में 2x कैपिटल अकाउंट एक्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो 7,750 में 435 डिडक्ट करेंगे तो 7,315 ये उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा ठीक है। और Y और Z का डेबिट ही ज्यादा है तो डेबिट का टोटल करते हैं तो कितना हो जाएगा Y का 12,935 इसी अमाउंट को इधर भी लिखना है 12,935 ठीक है, और जो बैलेंस रहेगा वो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। तो क्या करना 12,935 में ये ऊपर वाला जो अमाउंट है इससे डिडक्ट करेंगे तो बच गया कितना 11,685 ये ट्रांसफर होगा उसके कैपिटल अकाउंट में। अब देखते हैं जेड का, जेड का डेबिट का डेबिट ही ज्यादा है जेड का भी तो कितना है भाई 9,435 डेबिट का टोटल है, इसी टोटल को यहां भी लिखा 9,435 इसमें से जो बाकी ये ऊपर वाला घटाकर बाकी जो बचेगा उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा बाय जेड कैपिटल अकाउंट। तो 9,435 में 500 डिडक्ट किया तो कितना हो गया है 8,935 ये उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा ठीक है। तो क्या हुआ एक्स का क्रेडिट बैलेंस निकला और बाकी वाई और जेड का डेबिट बैलेंस निकला ये उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और फाइनली बनाएंगे कैश अकाउंट पार्टनरशिप फर्म का। तो अब बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, एक्स वाई और जेड, एक्स एक्स वाई और जेड ठीक है। तो क्या ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड क्या क्या नाम है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट क्या करना है सबसे पहले जो पार्टनर कैपिटल का बैलेंस है उसे इस तरफ दे देंगे है ना बाय बैलेंस
बीडी कितना 10,000 5,000 5,000। इसके बाद पार्टनर्स करेंट अकाउंट का जो बैलेंस आया तो भाई एक्स का क्रेडिट बैलेंस आया था और वाई और जेड दोनों का डेबिट बैलेंस आया था। तो जिसका क्रेडिट बैलेंस आया इस तरफ बाय एक्स करेंट अकाउंट कितना बैलेंस आया था 7,315 इस तरफ दिखा दिया और वाई और जेड का डेबिट बैलेंस आया तो टू वाइज करेंट अकाउंट वाई का कितना बैलेंस आया था 11,685 और फिर जेड का जेड करेंट अकाउंट जेड का कितना बैलेंस आया था तो 8,935 ठीक है। तो ये इनका बैलेंस आया था। अब बैलेंस करेंगे अगर क्रेडिट ज्यादा आ रहा है जिस पार्टनर का उसे पार्टनरशिप फर्म पे करेंगे और जिसका डेबिट टोटल ज्यादा आ रहा है कैपिटल का उससे पार्टनरशिप फर्म पैसा लेगी। तो भाई एक्स का तो 17,315 क्रेडिट है 17,315 मतलब सारा इसका क्रेडिट ही है जो भी है क्रेडिट में डेबिट में कुछ है नहीं तो जिसको सारा का सारा पैसा पे किया जाएगा टू कैश अकाउंट कितना 17,315 ये जो बैलेंस है ये पे किया गया और वाई और जेड दोनों को ही पैसा लाना पड़ेगा क्योंकि डेबिट ही इनका ज्यादा है 11,685 और इसका 8,935 ठीक है। तो ये दोनों पैसा लाएंगे 11,685 और 8,935 तो बाय कैश अकाउंट कितना कितना कौन कौन लाएगा भाई तो ये लाएगा 11,685 में 5,000 डिडक्ट किया तो कितना बच गया 6,685 इसे लाना होगा और इसे 3,935 लाना होगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या निकला कि एक्स को पे किया जाएगा 17,315 जबकि Y और Z से पार्टनरशिप फर्म पैसा लेगी कितना कितना Y से लेगी 6,685 और Z से लेगी 3,935। और अब फाइनली हम लोग आते हैं कैश अकाउंट तो भाई कैश अकाउंट के डेबिट में क्या जो पैसा पहले से बैलेंस पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में वो और जो पैसा आया वो सभी को डेबिट में दिखाना और क्रेडिट में जो पेमेंट किया गया वो दिखाना। तो सबसे पहले जो बैलेंस है टू बैलेंस बीडी कितना है 750 और इसके अलावा पैसा आया कहां कहां से तो एसेट को बेचा गया था उससे कितना रुपया आया था 7,500 तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,500 ये आया था। और इसके अलावा दोनों पार्टनर ने वाई ने और जेड ने इन दोनों को पैसा लाना पड़ा तो वो पैसा टू वाइज कैपिटल अकाउंट कितना 6,685 और टू जेड कैपिटल 3,935 ये पैसा आया ठीक है। इसका टोटल करते हैं 18,870 और अब देखते हैं पेमेंट क्या और कैसे हुआ है। तो पेमेंट में सबसे पहले पार्टनर का लोन का पेमेंट हुआ था बाय किसका लोन था तो वाई का लोन था तो वाई वाइज लोन अकाउंट उसका पेमेंट किया गया था 1,250 और फिर क्रेडिट सॉरी बिल्स पेबल का पेमेंट किया गया था तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्या है बिल्स पेबल कितना किया गया था 245 और फिर रियलाइजेशन का खर्च था उसका पेमेंट किया गया था बाय रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस
ये कितना था 60 रुपया। और फाइनली एक्स को जो पे किया गया था पहले 17,315 बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 17,315। तो ये इस तरह का भी टोटल आ गया 18,870। तो ये हम लोगों ने एक और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।